नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23, 24 और 25 जुलाई की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों से साथ बात करते हैं यशोमय ग्रहों की स्थिति के, यशों की क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन तीनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उद्धत होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इंद्रों में और भी ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों 23 जुलाई की बात करें तो दोस्तों इस दिन शुक्रवार का दिन रहेगा। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी और इस दिन पुराषाढ़ा नाम का नक्षत्र रहेगा। योग की बात करें तो दोस्तों वैद्यती नामो योग के बाद विषकुंभ नाम का शुभ योग रहेगा। राहु कल का समय इस दिन रहेगा सुबह के 10:54 से लेकर दोपहर के 12:53 तक। दोस्तों, यश में आप कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को बिल्कुल ना करें। और दोस्तों, चंद्रमा इस दिन धनुराशि के उपरांत मकर राशि में संचार करेंगे। वही दोस्तों अगले दिन की बात करें तो शनिवार का दिन होगा, भगवान शनिदेव का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि भी होगी और इस दिन जो नक्षत्र होगी वह उत्तराषाढ़ा नाम का नक्षत्र होगा। दोस्तों, विषकुंभ नाम के योग के बाद इस दिन जो योग है वह प्रीति नामो योग रहेगा और इसके उपरांत भी इस दिन एक और योग रहेंगे, वह आयुष्मान नाम का शुभ योग। जी दोस्तों, तीनों ही योग आपके लिए बहुत ही बेहतर होंगे। राहु काल का समय इस दिन रहेगा सुबह के 9:15 से लेकर सुबह के 10:54 तक। दोस्तों, चंद्रमा इस दिन मकर राशि पर ही संचार करेंगे। वही दोस्तों आखिरी दिन की बात करें, रविवार का दिन होगा, द्वितीय तिथि श्रवण नाम का नक्षत्र और सौभाग्य नाम का इस दिन योग रहेगा। राहु काल का समय इस दिन शाम के 5:29 से लेकर शाम के 7:08 रहेगा। चंद्रमा मकर के उपरांत कुंभ में गोचर करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इन तीनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का यह गोचर आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय पिता के लिए अनुकूल स्थितियाँ का निर्माण होगा और उन्हें अपने करियर में कुछ अच्छे परिणाम की प्राप्ति भी होगी। इसके साथ ही सूर्य की स्थिति आपको और आपके परिवार को समाज में मान सम्मान दिलाने में भी काफ़ी अच्छे साबित होंगे। दोस्तों, यश में आपके भाइयों और बहनों के लिए समय अनुकूल रहेगा। दोस्तों, यश में नेगेटिव की बात करें तो बृहस्पति मजबूत स्थिति में है और आपको कार्य क्षेत्र में सिरमौर बनाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ राहु केतु का असर भी बीच बीच में स्थितियाँ आपको परेशान करेगा। सलाह दी जाती है कि दोस्तों आप इस स्थिति से बचकर रहें, क्योंकि ऐसा करना आपकी छवि को नुकसानदायक पहुंचाएगा। दोस्तों, यश में इन दो दिनों में आपके आइडिया को लोग मानेंगे और उनको फॉलो भी करेंगे। आपको कुछ लोगों का नेतृत्व करने का भी यश में मौका मिल सकता है, जो आपके लिए कई मामलों में सकारात्मक रहेगा। दोस्तों, यश में लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी कार्यशैली को सहारेंगे, आपकी बातों को समझेंगे और उन पर ज़्यादा से ज़्यादा यश में ध्यान भी देंगे। कार्यस्थल पर आपको मान सम्मान पुरस्कार भी मिलने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, अगर आप किसी कार्यक्षेत्र में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो दोस्तों इस समय आपके कार्यक्षेत्र बढ़ने की संभावना है, उनमें प्रगति आएगी। दोस्तों, यश में बहुत तरह से आपके कार्यक्षेत्र में आपको सहायता मिल सकती है। यश में आप एक टीम लीडर के रूप में स्थापित और स्वीकृत भी हो सकते हैं। दोस्तों, यश में शनि आपको अनेक माध्यमों से धन लाभ की प्राप्ति करवाएगा। भले ही दोस्तों धन लाभ की प्राप्ति धीरे धीरे कराता है, लेकिन दोस्तों यश में धन लाभ की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। दोस्तों, धन के निवेश के लिए यश में अनुकूल रहेगा। वह दोस्तों, यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों काम के बीच में समय निकाल कर कुछ समय अपने जीवन साथी को भी दें, ताकि उन्हें अकेलापन महसूस न हो। दोस्तों, इस रिश्ते में वह खुश रह सके, इसकी वजह से आप थोड़ा सा समय जरूर अपने साथी के लिए निकालें। दोस्तों, जीवन साथी के साथ आपका सामंजस्य यश में काफ़ी अच्छा रहेगा। जिन जिन लोगों का यश में विवाह नहीं हुआ तो उनके लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव भी आपके घर आ सकते हैं। दोस्तों, यश में हेल्थ की अगर बात करें तो दोस्तों
कुछ लोगों को गले में दर्द की शिकायत रह सकती है, इन्फेक्शन या फिर खराश जैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों धीरे धीरे गर्मी का मौसम भी आ रहा है, इससे आपके गले भी सूख सकते हैं। तो दोस्तों दिन में कम से कम 10 गिलास पानी आप अवश्य पिएं। दोस्तों किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण धन का खर्चा भी हो सकता है, तो दोस्तों यश में आप स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें। वह दोस्तों इस दिन की अगर भाग्यशाली रंग और अंकों की बात करें तो दोस्तों पहला दिन आपका भाग्यशाली रंग रहेगा केसरी और भाग्यशाली अंक रहेगा 1। वही दोस्तों दूसरा दिन आपका भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 6। फार्मा क्षेत्र के लोगों के लिए यह समय अधिक अनुकूल हो सकता है। दोस्तों यह समय दांत में दर्द हो सकता है। दोस्तों यह समय बच्चों के साथ संबंध में भी घनिष्ठ अनुभव करेंगे, यानी यह आज का दिन पूरा दिन आपके लिए भावनात्मक होने के बारे में गणेश जी बताते हैं। दोस्तों गणेश जी कहते हैं कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत के साथ काम पर बेहतर करेंगे। दोस्तों आज आपके सहकर्मी आपको नापसंद भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें अपने फैसले का पालन करवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब आप मुसीबत में होंगे तो आपका लचीला रवैया आपको समर्थन पाने में मदद करेगा। दोस्तों यह समय लव लाइफ में आपका व्यवहारिक रवैया कुछ परेशानियों को बुलवा देगा। आप महसूस कर सकते हैं कि आप खुद के अंदर खो गए हैं। लेकिन दोस्तों हालांकि यश में आप जब भी अपने पीर के साथ बैठेंगे तब आपको उससे भावनात्मक समर्थन मिलेगा। इस तरह अपने पीर के साथ अच्छी समझ कर अपने पीर के साथ बैठकर अच्छी तरह खास बातचीत भी कर सकते हैं, और दोस्तों खास समझकर अपनी बड़ी समस्याओं को यश में आप हल भी कर सकते हैं। दोस्तों यश में यह आपके लिए एक अनुकूल दिन होने वाला है। ऐसे में पैसे कमाने की सभी कोशिशें आपके पक्ष में काम करेगी, और आप अपने प्रयासों को सच होते हुए भी यश में देख सकते हैं। दोस्तों यश में आपको बेहद ही खुशी महसूस होगी। दोस्तों यश में आप अपनी ऊर्जा बचाने की कोशिश करें, ये आपको ऑफिस में या फिर जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में बेहतर आउटपुट देने में मदद करेगा। दोस्तों गणेश जी को लगता है कि आप आज के आहार में नियंत्रण रखेंगे, दोस्तों जिससे आपको अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में भी मदद मिलेगा। दोस्तों कुछ रचनात्मक कार्य करने के लिए अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें, दिन चढ़ने पर वित्तीय तौर पर सुधार आएगा। दोस्तों एक खुशनुमा और बढ़िया शाम के लिए आपका घर मेहमानों से भी भर सकता है। अपने पीर की गैर मौजूदगी में आप खुद को बिल्कुल खाली महसूस करेंगे, व्यवसायिक साझेदार सहयोग भी करेंगे, और आप साथ मिलकर इन दिनों से कई दिनों से टालते आ रहे कामों को आप पूरा भी यश में कर सकते हैं। दोस्तों आज के दिन आप अपने ऑफिस से घर वापस आकर अपने कोई पसंदीदा काम भी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों इन दिनों में आपको कौन से उपाय को करना चाहिए? दोस्तों यश में आप सबसे पहले पीपल के एक पत्ते पर देसी घी और लाल सिंदूर को मिलाकर उसमें ओम लिखें और फिर उसे अपनी तिजोरी में रख दें। इसके उपरांत दोस्तों दूसरा उपाय, इस दिन आप पान के पत्ते को वहां रखें जहां आप अपना धन रखते हो। दोस्तों इस उपाय को आपको करते रहना चाहिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो जल्द ही आपको आर्थिक समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप अपने गले या फिर तिजोरी में एक नारियल का लाल कपड़े में लपेट कर जहां आप पैसे रखते हैं उस जगह रख दें। इससे दोस्तों आपकी धन में वृद्धि होगी और आपके आने वाले सभी कष्टों का भी निवारण होगा। तो दोस्तों आप इन उपायों को जरूर कीजिएगा, यह आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे।